Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें session number 22 cover करना है और मैंने थोड़ा changes किए हैं. इसमें 2017 की vocab को हम cover करने वाले हैं. पहले 17 की vocab को करेंगे. 2023 की vocab हमने already complete कर ली है last के 21 sessions में और कुछ mix vocab भी थी जो SSC के last 5 year में आ रखी है. अगर अभी तक आपने ये complete नहीं किए तो पहले आप ये complete कीजिए. Then move to the session number 22. Fine. So start करते हैं हमारा session with the very first question. So first one is which of the following best define the word impoverished? So impoverished का मतलब क्या होता है? So गरीबी के लिए ये word use किया जाता है impoverished. गरीबी यानी destitute. Destitute एक इसका synonym हो गया. इसके अलावा और क्या word use कर सकते हैं आप? Deprived. कमी होना. इंडिजेंट, पुअर हो गया सिंपल वर्ड, पॉपर हो जाएगा एक वर्ड, बिरेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और पैनिलेस. ये क्या है इसके सिनोनिम है, जबकि एंटोनिम की अगर हम बात करें तो वेल्दी हो गया एक, रिच रिच, प्रॉस्पीरियस हो गया और अफ्यूलेंट हो गया. अफ्यूलेंट यानी रिच के सेंस में धनी, प्रॉस्पीरियस. सो द चैरिटी वर्क स्टाइलिशली टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू इम्पॉवरिश्ड फैमिलीज अराउंड दी वर्ल्ड. तो जो चैरिटी वर्क है उसमें क्या किया जाता है? फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाता है अराउंड दी वर्ल्ड ऐसी फैमिलीज को. जो कौन सी है, किस कैटेगरी में आती है? इम्पॉवरिश्ड कैटेगरी में यानी गरीबी कैटेगरी में आती है. सो द आंसर इज Deprived is the answer. Wealthy नहीं होगा, affluent नहीं होगा, prosperous भी नहीं होगा. Simply you have to remember the word impoverished in the sense of destitute, गरीबी, deprived, indigent, pauper, bereft, penniless. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word stoical? Stoical का मतलब क्या होता है? So stoical का मतलब होता है cold, emotionless. So emotionless के सेंस में आप वर्ड यूज करेंगे stoical. जो अनइमोशनल है, इम्पैसिव है, रेजिलियंट है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे. इनडिफरेंट हो गया, फीलिंग लेस बोल सकते हैं, पैथेटिक को बोल सकते हैं, ठीक है. सो लॉन्ग सफरिंग से जो इमोशन लेस बन चुका है, इम्पैसिव बन चुका है, रेजिलियंट, कोल्ड, इनडिफरेंट, सो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टोइकल. Fine, without pain and emotion. Antonym इसका रहेगा जो emotion के साथ है, यानी reactive है, emotional है, excitable है, agitated है. ये क्या है इसके antonym है. जबकि जो example होगा, soldiers are often trained to be stoical in the face of adversity and danger. सो एडवर्सिटी और डेंजर के टाइम पे सोल्जर्स को किसके लिए ट्रेन किया जाता है? स्टोइकल बिहेवियर के लिए. इमोशनलेस, कोल्ड, इनडिफरेंट, इम्पैसिव, रेजिलिएंट. फाइन. सो इमोशनल इज द नॉन्स आंसर, एक्साइटेबल भी नहीं है, एजिटेटेड भी नहीं है, रेजिलिएंट इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड सेवी. सेवी का मतलब क्या होता है? सो सेवी का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो काफी इंटेलिजेंट है, जीनियस है, तुरंत जवाब रेडी होते हैं जिसके पास. इंटेलिजेंट सेवी, फनाइजर हो जाएगा एक वर्ड, गुणों का पारखी, फनाइजर, एस्ट्यूट, और एक वर्ड होता है श्रूड. ये सारे इसके सिनोनिम होंगे बुद्धि, जीनियस के लिए, और इंटेलिजेंट के लिए इस वर्ड को यूज किया जाएगा सेवी. एंटोनिम इसके रहेंगे जो नाइव है, भोला है, इग्नोरेंट है, अनइन्फॉर्म्ड है, गलिबल है, या फिर क्लूलेस, नो आइडिया, क्लूलेस है. सो बीइंग मीडिया सेवी, द पॉलिटिशियन न्यू एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल द प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो मीडिया सेवी यानी मीडिया का क्या है? कनॉइजर है, पारखी है, जो पॉलिटिशियन है वो एग्जैक्टली जानता है किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल कर. सो आंसर नाइव नहीं होगा,
एस्ट्यूट इज द आंसर, अनफॉर्म गलिबल ये भी नहीं होगा. सो अस्ट्यूट यानी सेवी इंटेलिजेंट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड इनसेंस्ड. सो इनसेंस्ड का मतलब क्या होता है? सो इनसेंस्ड यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, गुस्से के लिए स्टैंड कर रहा है. फ्यूरियस जो नाराज है, फ्यूरियस इसका एक सिनोनिम है. एनरेज्ड, इनरेज्ड, इनफ्यूरिएटेड, ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे गुस्से के होने को. आउटरेज्ड, ठीक है. फ्यूरियस, एनरेज्ड, फ्यूरिएटेड, आउटरेज्ड, ये इसके सिनोनिम है. जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या है? काम, पीस, कंटेंट, ट्रैंक्विल और सेटिस्फाइड, ये इसके क्या है? एंटोनिम है. सो काम इज नॉट द आंसर. इनफ्यूरिएटेड होगा, कंटेंट सेटिस्फाइड भी नहीं है. इनसेंस्ड यानी गुस्से वाला, फ्यूरियस, नाराज, ठीक है. ही बिकेम इनसेंस्ड व्हेन ही सॉ द डैमेज डन टू हिज कार. सो कार पे डैमेज डन को देखकर वो कैसा बन गया? नाराज हो गया, इनसेंस्ड हो गया, गुस्से में बन गया. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड फ्रिवलस. सो फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? सो फ्रिवलस मतलब ट्रिवियल, जो सिली मिस्टेक्स करता है, फालतू ही बकवास के सेंस में. सिली, ट्रिवियल, फ्यूरेल, ये क्या है? इसके सिनोनिम हो जाएंगे. इनसिग्निफिकेंट हो गया, इनसिग्निफिकेंट, पेटी. जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या है? सीरियस है, जो इम्पोर्टेंट है. सीरियस, इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, ये क्या हो गए इसके एंटोनिम. सो पैटी, प्यूरियल, सिली, ट्रिवियल, सिग्निफिकेंट, ये मतलब हो गया फ्रिवलस के, यानी व्यर्थ ही, फालतू. सीरियस इज नॉट द आंसर, मीनिंगफुल भी नहीं होगा, वेटी भी नहीं होगा. पेटी, पेटी इज द आंसर. फ्रिवलस यानी पेटी, सिली, इनसिग्निफिकेंट. सो दे स्पेंड देयर मनी ऑन फ्रिवलस परचेजेस इंस्टेड ऑफ सेविंग सेविंग फॉर द फ्यूचर. सो फ्यूचर के लिए सेव करने के बजाय उन्होंने अपना पैसा स्पेंड किया फालतू खर्चों में, सिली परचेजेस पे, फ्रिवलस परचेज, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड पेट्रीफाइड. सो पेट्रीफाइड का मतलब क्या होता है? सो पेट्रीफाइड का मतलब होता है हॉरिफाइड, जो भयानक है. हॉरिफाइड, हार्डन बोल दो, फॉसिलाइज्ड, ये इसके सिनोनिम है. यानी डरावने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे, पेट्रीफाइड फियर के सेंस में. जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या होगा? जो फियर लेस है, ब्रेव है, कॉन्फिडेंट बोल दो, करेजियस बोल दो, डैशियस बोल दो, ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे. हॉरिफाइड, हार्डेंड, फॉसिलाइज्ड, एक वर्ड होता है लैपिडिफाइड, ये भी डरावने के सेंस में यूज कर सकते, डराने के सेंस में. पेट्रीफाइड. सो द हॉन्टेड हाउस लेफ्ट द चिल्ड्रन पेट्रीफाइड विद फियर. सो फियर के साथ डरा हुआ छोड़ दिया बच्चों को हॉन्टेड हाउस ने. सो फियरलेस इज नॉट द आंसर, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, अनअफ्रेड भी नहीं है. फ्रोजन इज द आंसर, ठीक है. फ्रोजन हो गया, हार्डन हो गया, हॉरिफाइड हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड बारबेरिटी. ये वर्ड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पहले भी मैंने डिस्कस किया था, बारबेरिटी यानी एट्रोसिटी, क्रुएल्टी, अत्याचार. एट्रोसिटी, क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी, सैवेजरी, ये क्या है इसके सिनोनिम है. जबकि जो एंटोनिम होंगे इसके वो क्या होंगे? काइंडनेस हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, सिविलिटी हो गया, ये इसके एंटोनिम है. कंपैशन हो गया एंटोनिम. सो सिविलिटी भी नहीं होगा, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, ब्रुटैलिटी, ठीक है. एट्रोसिटी, क्रूलिटी, सैवेजरी के सेंस में, बारबेरिटी ने, अत्याचार. हिस्ट्री इज फिल्ड विद इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन बारबेरिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर. इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का एक सिनोनिम हो गया एग्जाम्पल, इंसिडेंट. सो ऐसे एग्जाम्पल्स और इंसिडेंट से भरा पड़ी है हिस्ट्री, जिसमें क्या है? ह्यूमन बारबेरिटी है ना, मानवीय अत्याचार. फाइन,
Let's move to the next one. So the next one is, which of the following best define the word mellifluous? So mellifluous का exactly meaning होता है musical sounding है, जो great singing के sense में, dulcet है जो मधुर है, मीठा है, soft है, sweet tone, harmonious, ये क्या होंगे इसके synonym होंगे, जबकि antonym क्या होंगे, जो harsh है, discordant, अप्रिय है, discordant, grating, ठीक है, अप्रिय के सेंस में ही वर्ड यूज होगा ग्रेटिंग, ठीक है. सो डिस्कॉर्डेंट हार्श के लिए हो गया, अनमेलोडियस हार्श के लिए हो गया, हार्श, ठीक है, म्यूजिकल इज द सिनोनिम. हर मेलिफ्लुअस वॉइस वॉज अ डिलाइट टू हियर ड्यूरिंग द कंसर्ट, यानी कंसर्ट के दौरान डिलाइट टू हियर, यानी काफी ज्यादा जिसको सुनकर खुशी मिली, ऐसी वॉइस है उसकी मेलिफ्लुअस. So the next one is, which of the following best define the word dodge? So dodge का मतलब avoid करना होता है, confront यानी सामना करना, encounter सामना, meeting होना. So इसका जो synonym होगा avoid हो जाएगा, evade हो जाएगा, बचना, elude हो जाएगा, एक duck हो जाएगा synonym. जबकि जो antonym होंगे वो क्या है, face करना, encounter, meet, एड्रेस, ये इसके क्या है, एंटोनिम है. सो द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज ऑफ ट्राइंग टू डॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पॉलिटिशियन को अक्यूज किया गया बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू डॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डॉज कर रहा था, बच रहा था, अवॉइड कर रहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड बफलिंग. सो बफलिंग का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन के सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है, कंफ्यूजन, एलूसिव, भटकाने वाला, परप्लेक्सिंग, बिविल्डरिंग, बिविल्डरिंग, ये भी इसका क्या है, सिनोनिम है, पजलिंग, जिसको पजलिंग यानी कंफ्यूजिंग के सेंस में. जबकि एंटोनिम क्या होगा, जो क्लियर है, सिंपल है, क्लियर, सिंपल, कंप्रेहेंसिबल, ऑब्वियस, कंप्रेहेंसिबल, ये क्या है इसके एंटोनिम हो गए, अंडरस्टैंडेबल. हर सडन चेंज इन बिहेवियर बाद बफलिंग टू हर फ्रेंड्स एंड सडन चेंज ऑफ बिहेवियर इन बिहेवियर फ्रेंड्स और फैमिली को क्या किया, बफलिंग किया, कंफ्यूज किया. सो क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, परप्लेक्सिंग भी आंसर, कंप्रेहेंसिबल भी नहीं है. फाइन. सो आज हमने जो वर्ड डिस्कस किए है, इम्पॉवरिश्ड, स्ट्राइकल, सेवी, इनसेंस्ड, फ्रिवलस, पेट्रीफाइड, बर्बेरिटी, मेलिफ्लुअस, डॉज, बफलिंग, ठीक है. सो ये वर्ड्स आज हमने किए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, जो मीनिंग है इनका. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.